खुशियां मनाने और बांटने का त्योहार है। इस दौरान मिठाइयों की भूमिका भी आपसी संबंध को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए हमेशा से अहम रही है। देश की हर छोटी बड़ी दुकानों पर एक से बढ़कर एक मिठाइयों की भरमार। ऐसे में अमरावती और अहमदाबाद में दो खास मिठाइयों की खूब चर्चा हो रही है, आप भी देखिए। दीपावली के मौके पर बाजारों में कुछ मिठाई स्वाद के साथ साथ अपनी अपीयरेंस को लेकर चर्चा में है। ऐसे में महाराष्ट्र के अमरावती में स्पेशल गोल्ड कोटेड ड्राई फ्रूट्स वाली ये मिठाई लोगों को अपना दीवाना बना रही है। मिठाई की दुकान में है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह से जो मिठाइयाँ है वो बनाई हुई है, और दिवाली मनो नाश्ता, नाश्ते के साथ मीठा तो होना ही चाहिए, और मीठे में कुछ खास हो तो बात ही कुछ अलग होती है। तो एक खासम खास यहाँ पर मिठाई बनाई गई है जो हर साल बनाते हैं रघुवीर मिठाई केंद्र में, जहाँ अमरावती का ये मशहूर मिठाई वाले हैं। यहाँ पर ये सोने की वर्क की बनाई है, गोल्डन फ्लावर की मिठाई है, लगभग 11,000 रुपये किलो की ये मिठाई है। काजू और बादाम से बनाई गई ये पूरी मिठाई जो है, इस पर 24 कैरेट का ये गोल्डन वर्क किया गया है। अमरावती के रघुवीर मिठाई वाले की ये गोल्डन फ्लावर ड्राई फ्रूट्स मिठाई कुछ खास है। 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी ये मिठाई स्वाद में और मिठाइयों से कुछ अलग है। मिठाइयों में 50 से 60 वेराइटीज है, बट दिवाली के लिए स्पेशली हम एक चीज बनाते हैं जिसे बोली जाती है गोल्डन फ्लावर। ये मिठाई की खासियत है कि ये सोनेरी वर्क से बनी जाती है। ये मिठाई पिस्ता, बादाम और काजू से आयुक्त पूरा मिश्रण बना करके बनाई जाती है। इसकी सबसे स्पेशल चीज अगर आप देखें तो इसके ऊपर 24 कैरेट का सोनेरी वर्क चढ़ाया जाता है। इस इलाके में दिवाली पर बनाई जाने वाली गोल्डन फ्लावर काफी मशहूर मिठाई है। एक किलो इस मिठाई की कीमत 11,000 रुपए है, इसलिए ग्राहक इसे दिवाली गिफ्ट के रूप में भी खरीदना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गोल्ड वोल्ड तो हम परचेज इतना कर नहीं सकते, तो मैंने वही मिठाई खरीदना इम्पोर्टेंट समझा एज अ दिवाली गिफ्ट। भाई जरूरी नहीं कि हर कोई त्योहार पर सोना खरीद पाए, मगर यहाँ मुंह का जायका तो बढ़ाया ही जा सकता है। मिठाई की भारी डिमांड देख दुकानदार भी खुश हैं। और गोल्डन फ्लावर को अमरावती के अलावा नागपुर, वर्धा, अकोला समेत देश के दूसरे इलाकों में भी ऑर्डर पर भेजा जा रहा है। अमरावती की गोल्डन फ्लावर के बाद अहमदाबाद की स्वर्ण मुद्रा, जी हां, ग्वालिया एसबीआर में इस नाम से ये मिठाई भी मीठे के शौकीनों की फेवरेट बनी है। पर एक अलग ही जो मिठाई है वो तैयार की गई है स्वर्ण मुद्रा नाम से, और 21,000 रुपए प्रति किलो इसका चार्ज जो है वो लिया जा रहा है, जिसको लेकर भी बड़ी संख्या में इंक्वायरीज मिल रही हैं। 21,000 रुपए प्रति किलो वाली स्वर्ण मुद्रा को अगर आपको टेस्ट भी करना है तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिस्किट की तरह दिखने वाली इस खास मिठाई की एक किलो खरीद पर 15 पीस मिलते हैं, यानी एक पीस की कीमत 1400 रुपए है। लोग परचेज कर रहे हैं, इसके काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेड क्रैनबेरी एंड ब्लूबेरीज हैं। सो पिस्ताचियो के अंदर स्टफिंग है क्रैनबेरी की, आलमंड के अंदर स्टफिंग है ब्लूबेरी की। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेड फ्रूट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसके ऑर्डर्स हमारे पास बहुत नहीं है, बट हाँ क्वेरीज हैं, कॉल्स हैं कि इसमें क्या है, पीपल आर कमिंग फॉर टेस्टिंग ऑल्सो, सो विच इज न्यू इन गुजरात फर्स्ट टाइम। बहरहाल अमरावती की गोल्डन फ्लावर या अहमदाबाद की स्वर्ण मुद्रा भले ही दाम ऊंचे हैं, लेकिन तलबगार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि इनकी डिमांड देश के दूसरे इलाकों से भी आ रही है। अमरावती से धनंजय साबले और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।